जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस ने दो सनसनीखेज चोरियों का 48 घंटे में खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 लाख रुपए मूल्य के दूध से भरे कैंटर तथा 1,23,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। कम समय में मालदार होने की नीयत से बेरोजगार अपराधी बन गए। थाना बाबूगढ़ की पुलिस जो वहाँ के इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह हैं उनकी टीम द्वारा दो चोरियों का खुलासा किया गया है। एक चोरी 6 तारीख की हुई थी, कार का शीशा तोड़ करके 1,40,000 रुपया चोरी हुआ था। दूसरी चोरी कुचेश्वर चोपला से 7 तारीख की हुई थी, जिसमें दूध का एक कैंटर था वो चोरी किया गया था। दोनों चोरियों को मात्र 48 घंटे के अंदर इनकी टीम द्वारा खोला गया है और साथ ही साथ इसमें 100% माल की बरामदगी हुई है। दूध का कैंटर बरामद हुआ है, इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1,23,000 रुपया दूसरी चोरी का बरामद हुआ है, उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनकी टीम ने मात्र 48 घंटे में दोनों केसेस का खुलासा किया है। इन्हें पुरस्कृत भी कराया जाएगा और चोरों का क्या आपराधिक इतिहास है इसके बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है इससे पूर्व इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तो क्या पता पड़ पाया जैसे पहले अपराध किया है तो क्यों इस लाइन में ये आए थे? नहीं, ये लोग बेरोजगार हैं और जैसा कि इन लोगों की मानसिकता थी कि कम समय में ज़्यादा हम कैसे पैसा एकत्रित करें और जिससे इनकी जो खर्च है उसको पूरा कर सकें। फिलहाल हो सकता है कि इनके और भी अपराध रहे हों, वो पंजीकृत न हुए हों। हम लोग इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं।